नालंदा जिले की 5 अहम खबरों की बात करें तो अहले सुबह नूरसराय थाना क्षेत्र के कैरी मियार गांव से पहली खबर आई, जहां आपसी विवाद में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका पिंटू राम की पत्नी जूली कुमारी बताई जा रही है। परिजनों की माने तो 10 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। पति परदेश में रहकर रोजगार करता है और महिला अपने दो बच्चों के साथ गाँव पर रह रही थी। सुबह सास और ससुर से किसी बात को विवाद हुआ। इसी विवाद के कारण वह अपने कमरे में जाकर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरी घटना भागन बीघा ओपी के मूसेपुर गांव में घटी है, जहां 5 बीघा जमीन की खातिर गोतिया के लोगों ने ही अपने छोटे भाई की पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। मृतका श्रवण यादव की पत्नी सरिता कुमारी बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष अमरेश कुमार ने बताया कि पूर्व में भी दोनों के बीच इस जमीन के झगड़े को लेकर समझौता कराया गया था, मगर आज दूसरे पक्ष के लोगों ने मौत महिला की पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपियों की छापेमारी के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपी गाँव छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं तीसरी घटना की बात करें तो आज भी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। नगर थाना पुलिस पहरपुरा मोहल्ले से 15 लीटर चुलाई शराब बरामद की है। इसी तरह विभिन्न थाना क्षेत्रों से भी शराब बरामदगी की सूचना मिल रही है। वहीं नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर आज नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह और एसपी हरि प्रसाद एस ने समस्त समन्वयालय कर्मियों के समक्ष शपथ लिया कि वे ना नशा करने देंगे, ना लोगों को इसके प्रति जो है जागरूक करेंगे और पूरे जिले को नशा मुक्त बनाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो आज सरमेरा और हरनौत प्रखंड का मतगणना भी कराया जा रहा है। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल भी देखा जा रहा है। जो प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं उनके समर्थकों में खुशी का माहौल और जो हार रहे हैं उनमें गम का माहौल देखा जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रणय कुमार राज, NBT ऑनलाइन, बिहार शरीफ, नालंदा। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।